राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन ने परिवहन विभाग झारखंड द्वारा शुल्क वृद्धि प्रारूप पर आपत्ति जताई है। संघ के अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिंह ने कहा कि विभाग ने 4 अक्टूबर 2023 को झारखंड मोटर गाड़ी संशोधन नियमावली 2023 पर आपत्ति के साथ संशोधन व पूरे प्रारूप को जनहित में वापस लेने के लिए सुझाव दिया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में शुल्क वृद्धि किया गया था कि लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश से इसे स्थगित किया गया, अब फिर से नया शुल्क वृद्धि उचित नहीं है। बता दें कि परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस परमिट सहित सभी तरह के कार्यों में शुल्क की बढ़ोतरी की है। 21 दिनों के अंदर इस पर आपत्ति भी मांगा है। एसोसिएशन ने अधिभार सहित शुल्क वृद्धि पर भी आपत्ति जताई है। श्री सच्चिदानंद सिंह ने कहा कि सारे वैधानिक पहलुओं पर विस्तार से आगे बात रखी जाएगी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।